हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड 25 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले भी दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें आपके 25-25 करके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये जो सीरीज है हमारा बहुत लंबा सीरीज है जिसमें 1450 का क्वेश्चन का आपका सीरीज कराया जा रहा है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विलियम हार्वे जो साइंटिस्ट है वो किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्त परिसंचरण। ठीक है, रक्त परिसंचरण के लिए विलियम हार्वे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, रक्त परिसंचरण का ही खोज किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीजन है, जो एंटीजन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एंटीजन जो होता है आपका एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का निर्माण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि कौन सा अंग रोगाणु का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है कि कौन सा अंग रोगाणु का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। इसका आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22+X। ठीक है, 22+X इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम होता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसको आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, XO। इसका सही आंसर हो जाएगा XO। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है कि हीमोफीलिया रोग है जो क्या करता है, तो इसको आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनमें संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। ठीक है, ये देखिए आपका ब्लड से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है कि अगर पिता ए रुधिर वर्ग है और माता का बी वर्ग है तो इसकी जो संतान होगी इसमें कौन सा रुधिर वर्ग संभव हो पाएगा, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AB, O और AB, चारों, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्वेत क्रांति नाम संबंधित है तो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो श्वेत क्रांति है वो नाम किससे संबंधित है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीस कुरियन के साथ संबंधित है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो RH फैक्टर जो है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लैंड स्टिनर एवं विनर के द्वारा RH फैक्टर का खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ठीक है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनाफेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एनाफेज। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं। ठीक है, जो ग्रोथ रिंग्स होते हैं वो किसकी क्रिया से बनते हैं, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैम्बियम से बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परागण का अर्थ है, जो परागण है उसका अर्थ क्या होता है, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराग धानी से परागण का वर्तिकाग्र पर जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
कि अनिश्चित फल वह है जिसमें होते हैं, ठीक है, तो वह अनिश्चित फल क्या होते हैं, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिना परागण और निषेचन के बना फल को क्या कहा जाता है, अनिश्चित फल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि परागण क्या है, जो परागण होते हैं वो क्या होते हैं, तो याद रखना आपको जो परागण होते हैं आपका नर युग्मोतिभेग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति बीजी पादपों में भूर्ण कोष प्राय होता है, जो आवृत्ति बीजी पादप होते हैं उसमें भूर्ण कोष कहाँ पर होते हैं, किस टाइप से होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बीज किससे बनता है, जो बीज है वो किससे बनता है, ये आपको बताना है। तो बीज आपका किससे बनता है, तो बीजाणु से बनता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी गीटोनोगैमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गीटोनोगैमी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुपारी का खाने योग्य भाग है, सुपारी का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भूर्णपोष। ठीक है, तो सुपारी का हम लोग भूर्णपोष वाला भाग हम लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फल नट है, ठीक है, कौन सा फल नट है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी काजू। ठीक है, जो काजू है वो आपका एक टाइप का नट है। अगला क्वेश्चन है नारियल में खाने योग्य भाग होता है, इसमें आपको बताना है कि नारियल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो देखिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भूर्णपोष। ठीक है, जो नारियल का भूर्णपोष होता है उसको हम लोग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है कि आवृत्ति बीज पौधों के बीच में होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सुप्त एम्ब्रीबियो। ठीक है, तो आवृत्ति बीजी पौधों के बीच में सुप्त एम्ब्रीबियो होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मक्का का दाना है, जो मक्का का दाना होता है वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक फल होता है, जो मक्का का दाना होता है वो आपका वास्तविक फल होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सच्चा फल होता है, ठीक है, एक सच्चा फल का क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, निषेचित एवं विकसित अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है, जो हम लोग कटहल में मांसल भाग खाते हैं तो वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सपत्र और परिदल पुंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा आरएनए। ठीक है, क्या हो जाएगा आरएनए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर भी कर लीजिएगा।